दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुगोन कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव थर्मोमीटर का, जिसका मॉडल नंबर S196 है। इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसको चलाने का जो तरीका है वो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। ये प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है आप लोगों के लिए जो मोबाइल रिपेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। काफी बार क्या होता है, जो आप सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करते हैं या SMD मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो आप टेम्परेचर सेट करते हैं, क्या वो टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट है, यह जानने के लिए इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल एक्यूरेट इसमें आप उसका है ना टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं और इसे कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं टोटल आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए अनबॉक्स करते ही सबसे पहले एक इसका यूजर मैनुअल मिल जाता है और इसके अंदर एक मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट है और कुछ सेंसर्स हैं, ये आपके टेम्परेचर सेंसर्स हैं, इनको भी रख लेते हैं। और ये रही इसकी पावर कॉर्ड और ये है ESD सेफ केबल और ये स्टैंड SMD हैंडल स्टैंड और ये रहा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव थर्मोमीटर। चलिए इसको बाहर निकाल लेता हूं। तो फाइनली इसे बॉक्स से बाहर निकालिए। इसका साइज काफी छोटा है और जिसका लुक है ना काफी अट्रैक्टिव है, काफी मजेदार इसका लुक है और बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट लग रहा है। अब मैं इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा बात करूं तो यहां पर इसके दो सेक्शन बने हुए हैं। ये सेक्शन हमारा सोल्डरिंग आयरन के टेम्परेचर को है ना सेंस करने के लिए ये सेक्शन बना हुआ है और ये वाला सेक्शन हमारा SMD के लिए बना हुआ है। कैसे इनका इस्तेमाल करना है वो भी अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एक बटन्स के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। ये आपका आयरन के लिए, जब आप आयरन का टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो तब आप इसको इस मोड पे आयरन मोड पे रखेंगे, जब आप SMD की हीट का टेम्परेचर चेक कर रहे हो तब आप इसको हीट गन पे रखेंगे। बाकी इसमें दो बटन मिल रहे हैं, एक आपका डिग्री सेल्सियस एक डिग्री फारेनहाइट। काफी लोग सेल्सियस में देखा हम पसंद करते हैं, काफी लोग फारेनहाइट में। और ये वाला आपका होल्ड का बटन है, मैक्सिमम आपकी जो वैल्यू रहेगी जो आपका टेम्परेचर हो रहेगा मैक्सिमम अगर सेट कर देंगे तो वहां पर जितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वहीं पर जाके स्टॉप हो जाएगा। और इसके अगर पीछे साइड के हम बटन्स या फिर पोर्ट्स की बात करें तो ये ESD सेफ केबल के लिए है और यहाँ पर ये आपका ऑन ऑफ स्विच है और ये पावर की लीड लगाने के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको है ना सेटअप करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम आयरन के टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे, क्या वो टेम्परेचर जो हम आयरन पर सेट किए हैं क्या वो सही है। चेक करने के लिए इसको आयरन मोड पर रखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमें चाहिए सेल्सियस पे चाहिए सेल्सियस पे, फारेनहाइट पे चाहिए तो फारेनहाइट पे, हम इसको सेल्सियस पे रखेंगे क्योंकि सेल्सियस में देखना हमारा आदत सी है। और बाकी मैक्स होल्ड यानी कि हम चाहते कि यार जो मैक्सिमम ये जो अपने जो टेम्परेचर है जो इसमें हम जब आयरन लगा रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसी पर होल्ड हो जाए, तो उसको हम इस पर रखेंगे होल्ड पर। और यहाँ पर देखिए जब आप किसी आयरन के टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हो उसकी टिप आपने है ना इस तरीके से थोड़ा सा सोल्डरिंग उसमें लगा लेना है। और यहाँ पर आपको दिखाऊं इसमें हमने 200 पे सेट करा है इसको, देखिए 200 पे इसको सेट करा हुआ है, एरो देखिए 200 डिग्री सेल्सियस पे सेट करा हुआ है। क्या ये 200 डिग्री सेल्सियस ही इसका टेम्परेचर है वो चेक करने के लिए अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको है ना इस तरीके से इसके जस्ट बीच में इस तरीके से रखते हैं और जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वही यहाँ पर देखिए हो जाएगा। देखिए 414 पे ये रुक गया, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए जो इसमें 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सिलेक्टेड है वो 200 डिग्री सेल्सियस नहीं है बल्कि 414 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए भाई 200 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, कहाँ यहाँ पर 200 डिग्री पे हमने सेट करा है और यहाँ पर 414 डिग्री दिखा रहा है। तो यानी कि ये हमारे किसी भी काम के लिए परफेक्ट नहीं है। हाँ इतना है कह सकते हैं कि यार अगर आप इससे मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड को जला सकता है, प्रिंट वगैरह को डैमेज कर सकता है क्योंकि ये कैलिब्रेट नहीं है। तो यहाँ पर कहीं पर आपको 414 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का काम करना है टेम्परेचर पर, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम में इसने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया हुआ है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड पर।
दोस्तों अब हम इससे एसएमडी रिवर्क स्टेशन का टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मोड को सिलेक्ट कर देते हैं, इसको हीट गन पे रखते हैं और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट जो पसंद हो उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैक्स होल्ड अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप एसएमडी रिवर्क स्टेशन जब आप इसमें सेट कर रहे हो तब आप यहाँ पर एक खांच बनी हुई है और ये इसके हैंडल को एडजस्ट करने के लिए है। अगर आप इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे तो उसके हैंडल को आप इजीली रख सकते हैं। अब हम एसएमडी रिवर्क स्टेशन जो कि हमारा सुगोन कंपनी का ही है, 8650 मॉडल नंबर है, इसका रिव्यू हमने करा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक एसएमडी है। ऐसे इंडिया में एसएमडी बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, ना के बराबर भाई ऐसे एसएमडी अभी तक मैंने इंडिया में नहीं देखी जो कि अपने आप में बहुत यूनिक एसएमडी है। देख लेना, रिव्यू इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसका टेस्ट करेंगे हम, क्या जो इसमें हम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं क्या वो सही है, नहीं होगा तो उसको हम कैलिब्रेट करेंगे। 150 डिग्री सेल्सियस पे ये सेट है ऑलरेडी, यहाँ पर 215 पे है तो उसको 150 पे हम रखते हैं, हैंडल को उठाते हैं और फिक्स करते हैं यहाँ पर, इस तरीके से फिक्स करना है और इसको एडजस्ट कर लीजिए अगर आप प्रेस नहीं हो पा रहे तो ये देखिए अब ये सेट हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है ना हीट देता है तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है। ये देखिए अब देखिए कि इसका टेम्परेचर कितना है, सिर्फ एक पॉइंट का इसमें अंतर है, 148-149 तक आ जा रहा है। देखिए भाई ये है भाई 150 पे सेट और यहाँ पर इसका टेम्परेचर देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है, हालांकि ये सुगोन कंपनी के ही दोनों प्रोडक्ट हैं तो सुगोन कंपनी बिल्कुल कैलिब्रेट करके इसको दिया हुआ है तो आप कह सकते भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए इसको हम चेक करते हैं, 215 पे रखते हैं, अब देखते हैं क्या ये 215 पे जाके रुकता है, देखते हैं 215। ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच रहा है, कुछ ही पॉइंट्स का अंतर है बट ज्यादा अंतर नहीं है, इतना होता ही है बट इसका रिजल्ट आप देखिए। चलिए और इसको हम सेट करते हैं, 300 पे रख लिया इसे, चार चैनल का है सब सेव करें हमने तो 300 पे हमने रख लिया इसे, तो चलिए देखते हैं भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में इसकी जो वैल्यू है ना वो लगभग लगभग पहुंच रही है वहीं तक। चलिए वेट करते हैं, मुझे लगता है कि एयर हमने अभी कम करी है ना इसकी तो एयर थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, तो इसमें एयर का वॉल्यूम कम है तो एयर का वॉल्यूम इसका थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, 50 तक रख लेते हैं एयर का वॉल्यूम, 58 तक। अब देखते हैं एयर का जो वॉल्यूम है वो भी मायने रखता है। अब आप देख लीजिए भाई इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट आपके सामने है, एक्यूरेट लगभग लगभग 10 का अंतर है बट ये भी बहुत अपने आप में भाई बहुत ही तगड़ी चीज है। देखिए लगभग इसको हम मैक्स होल्ड पे रख लेते हैं, देखते कितने तक जाता है इसका टेम्परेचर मैक्सिमम, वही 9-10 का अंतर है, इसमें हमने 300 सेट करा है और इसमें 92 तक चले गया था। तो देखिए इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं और ये जो प्रोडक्ट है ना अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया वो भी इसी में कवर कर लेता हूँ, इसके साथ में ना आपको 2-3 सेंसर इस तरीके से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है ना कभी कभी अगर आपके सेंसर में कोई ख़राबी है या प्रॉब्लम है तो इस तरीके से इसको इस तरीके से आपने इधर को मूव करना है और सेंसर को निकाल लेना है और नए सेंसर को चढ़ा लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए ईजी है काफ़ी और उसमें करंट नहीं लगता, अगर आप सोच रहे हो तो करंट लगता, ऐसा नहीं होता करंट नहीं लगता क्योंकि सेंसर के लिए बना है, प्लस माइनस देखते हुए इसमें आप सेंसर्स को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस के लिए रेड और माइनस के लिए ब्लू लगा हुआ है तो इस तरीके से आप सेंसर्स को अटैच करेंगे इस तरीके से। चलिए बहुत आसान तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, बाकी प्लीज़ इस वीडियो को है ना लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगी इसके बारे में बनाने में क्योंकि ये चीज़ समझने में भी मुझे पूरा एक दिन लगा था और इसी चीज़ के बारे में पूरा पढ़ा तब जाके आपको रिव्यू डिटेल से दे पाया और समझा पाया। अगर कोई भी कमी रहेगी हो तो भाई बताना ज़रूर कि हाँ
वीडियो में ये कमी थी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।